तो दोस्तों सोशल मीडिया पर इन दिनों हरियाणा के एक पहलवान छाए हुए हैं जो अपनी हर वीडियो में कहते हैं राम राम भाई सारा ने, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ले रखा है 75 हार्ड का चैलेंज और इस चैलेंज को वो पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस चैलेंज के उनके 10 से 12 दिन ही बचे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है तो वहीं पर पॉपुलैरिटी के साथ दोस्तों आती है हेट। और अब कुछ इंडियन बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे हरियाणा की शान अंकित भाई को हेट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तू फुद्दू सा 75 हार्ड चैलेंज करता है, अगर दम है तो हमारे साथ एक्सरसाइज करके दिखा। देखिए एक इंडियन बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर है जो हमारे हरियाणा के अंकित भाई को हेट दे रहा और कह रहा है कि अगर तू अपने आप को ऐसा ही नेचुरल बॉडी बिल्डर कह रहा है तो एक बार हमारे साथ आकर जिम में एक्सरसाइज करके दिखा, जो भी तेरा नेचुरल पना है वो सारा निकाल देंगे। तू कोई भी नेचुरल पैचुरल नहीं है, तू सिर्फ ढोंग कर रहा है और लोगों की सिंपैथी गेन कर रहा है और तेरी ये दुकान लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों अब इस पर हमारे अंकित भाई हरियाणा की शान का भी रिएक्शन आया और उन्होंने कहा है कि भाई तू जो भी है मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर तेरे में दम है तो तू जो मैं एक्सरसाइज करता हूं वो करके दिखा, तेरे दस्त ना लग जाए तो मुझे बता दियो, और जो मैं डाइट खाता हूं, जितना घी खाता हूं, दही लस्सी खाता हूं, बेटा तू एक महीने में भी खा जाएगा ना तो तेरे दस्त नहीं रुकेंगे, और तू जो नकली पाउडर खा के जो इंजेक्शन लगा के तूने जो अपनी ये बॉडी बनाई है ना ये अंदर से खोखली है, दम है तो हमारे साथ अखाड़े में आकर आधे घंटे का ही वर्कआउट करके दिखा, अगर तेरी पैंट पीली ना हो जाए तो मेरा नाम बदल लेना। मतलब कि दोस्तों एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है सोशल मीडिया के इन दो इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। अब देखते हैं कौन बाजी मारता है और कौन रह जाता है पीछे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स में से कौन सही है कौन गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।